वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप आर्टिस्ट चित्रा दे। तो आज का लुक है ग्रीन स्मोकी आई विथ न्यूड लिप्स। तो ये लुक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मेकअप देख लेते हैं। तो मेरे फेस में अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं फर्स्ट आईब्रो से स्टार्ट करूँगी। आईब्रो के लिए मैं पैक का आईब्रो जेल ले रही हूँ, और मेकअप स्टूडियो को ब्रश लेके मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी। आपके पास जेल नहीं है तो आप कोई भी ब्रांड का पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, और ब्राउन शैडो भी यूज़ कर सकते हो ब्राउ के लिए। आई बेस के लिए मैं यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर लेके पूरे आई लिड में अप्लाई करूँगी, पूरे अच्छे से आई लिड में अप्लाई करूँगी, और मेकअप स्टूडियो ब्रश लेके मैं पूरे कंसीलर को ब्लेंड करूँगी और आईब्रोज को अच्छे से शेप दूँगी ऊपर नीचे। पैक का ब्लेंडर से अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करूंगी, और ये ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से करना होगा, क्योंकि आपका ब्लेंड नहीं अच्छा होगा तो आई मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। आई मैजिक आई शेडो पैलेट से यहाँ पर वाइट शेड लेके अपने कंसीलर को सेट करूंगी। आप यहाँ पर कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो। सेम पैलेट से लाइट शेड लेके अपने क्रीज में अप्लाई करूँगी आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर, और हल्के हाथों से ब्लेंड करूँगी। और मैंने ब्रश लिया है प्रो आर्ट का। मैं यहाँ पर शुगर का ग्रीन काजल लेके क्रीज लाइन के नीचे एक राउंड शेप करूँगी स्मोकी लुक के लिए। पैक का मिनी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश लेके सेम पैलेट से लाइट ग्रीन लाइट ब्राउन शेड लेके अपने ग्रीन काजल को ब्लेंड करूँगी। प्रो आर्ट का आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैं अपने स्मोकी को अच्छे से ब्लेंड करूँगी, कोई भी लाइन ना रहे। जो भी डस्ट है आई शेडो का वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मैं मैक का प्राइमर लेके अपने टी जोन और अपने पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई करूँगी, और समर का टाइम स्वेटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो इसीलिए आपको प्राइमर कभी भी स्किप नहीं करना है।
एलेगल का ऑरेंज कंसीलर लेके अपने अपर लिप्स के ऊपर अंडर आईज एरिया लगाऊंगी और पैक का ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। मेबलिन फिट मी कंसीलर लेके मैं कंसीलिंग करूंगी और मेरा शेड नंबर है लाइट। ये कंसीलर एक बार आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कंसीलर है और कवरेज भी बहुत ही अच्छा है। नायका का ब्रश लेके अपने कंसीलर को ब्लेंड करूंगी। आप यहाँ पर ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, मुझे ज़्यादा ब्रश से ही ब्लेंड करना पसंद है इसलिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मेकअप फॉरएवर का HD फाउंडेशन लेके पूरे फेस और नेक पे अप्लाई करूँगी। नायका का सेम ब्रश से ब्लेंड करूँगी और आपको ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से करना है क्योंकि ब्लेंड नहीं अच्छा होगा तो आपको मेकअप भी केकी लगेगा। मैं पैक का ब्लेंडर से एक बार और मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। अगेन मैं सेम कंसीलर लेके अपने टी जोन हाईलाइट करूँगी, अंडर आईज, नोज, चिन, फोरहेड। फिर नायका का ब्रश लेके अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। और पैक का ब्लेंडर से फिर से एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कॉम्पैक्ट में मेकअप स्टूडियो का लेके अपने पूरे बेस को सेट करूंगी और ब्रश में मेकअप स्टूडियो का यूज़ कर रही हूँ। और मैं निक्स का ब्रॉन्जर लेके अपने फेस को अच्छे से शेप दूंगी, नोज, फोरहेड, डबल चिन। नायका का लिप पैलेट से ब्लश लगाऊंगी। मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन शेड लेके अपने लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड करूँगी।
यहाँ पर व्हाइट का जेल यूज कर रही हूँ। कारा ब्यूटी आई शेडो पैलेट से लाइट ग्रीन शेड लेके अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी। मैं ग्रीन ग्लिटर लेके अपने आईलिड में अच्छे से लगाऊंगी। लाइनर में पैक का ले रही हूँ और ब्रश मेकअप स्टूडियो का। मेबलिन का मस्करा लेके अपने लैश पे अप्लाई करूंगी। पर लॉरियल का यूज कर रही हूँ। मेकअप स्टूडियो का सेटिंग स्प्रे लेके पूरे फेस में स्प्रे करूंगी। हाइलाइटर में यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर ले रही हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। आपको ग्लिटरी हाइलाइटर पसंद है तो आप ये हाइलाइटर ले सकते हो। तो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या देखना है कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।